हेलो बच्चों, सो आज आ गया है आपके सामने वन मोर वीडियो ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर टू क्लास टेंथ का. ठीक है, सो मैंने इसमें अभी तक जो भी कवर किया उसके बाद जो ये लास्ट टॉपिक है आपका एलजेब्रिक, मतलब हमारे ये एलजेब्रा के ऊपर होता है. तो ये जो सारे मैंने फॉर्मूले यहाँ पर लिख रखे हैं, इन सब के यूज करते हुए हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले आपने यहाँ तक कर रखे होंगे. ठीक है, और ये कुछ न्यू है जो कि हमारे इसमें ऐड हो जाते हैं. जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस, अगर यहाँ माइनस होता है यहाँ पर प्लस हो जाता है, माइनस हो जाता है. याद करने का तरीका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ माइनस हो जाएगा, सेम रहेगा. ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए. सो अगर आपको ये सारे फॉर्मूले नहीं याद है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं. सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है उसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन, जैसे थ्री एक्स प्लस फोर वाई का होल स्क्वायर. अब कैसे करते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं ए प्लस वी का होल स्क्वायर. आप जो भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, उसको पहले यहाँ पे कोई मेंशन कर दें कि आप क्या करने जा रहे हैं. कर दिया, कंपेयर करो. ए की वैल्यू यहाँ पे थ्री एक्स है, बी की वैल्यू यहाँ पे फोर वाई है ना. सो हम कैसे कर सकते हैं इसको, थ्री एक्स होल स्क्वायर फोर वाई का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री एक्स इंटू फोर वाई. ठीक है, सो नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन वाई स्क्वायर प्लस टू थ्री जा सिक्स, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर एक्स वाई. बस ये इसका आंसर है. सो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इसको इजिली टैकल कर लेंगे. ये तो हो गया हमारे फर्स्ट, उसके ऊपर हम करते हैं सेकंड के ऊपर. सेकंड कोई भी गारंटी लेते हैं, उसके बेस्ड इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं. मान लो मैंने लिया यहाँ पर रूट टू एक्स माइनस थ्री वी थ्री वाई का होल स्क्वायर. अब देखो बेटा, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसको हम क्या लिखेंगे, रूट टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस थ्री वाई का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू रूट टू एक्स इंटू थ्री वाई. आप कंपेयर कर सकते हैं ए से एंड बी से, आप कंपेयर करेंगे तो आपको यही मिलेगा. अब देखो रूट टू एक्स को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू एक्स स्क्वायर, जस्ट बिकॉज रूट टू इंटू रूट टू तो टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर. एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस नाइन वाई स्क्वायर माइनस टू थ्री जा सिक्स, सिक्स रूट टू एक्स वाई. ये इसका आंसर हो गया. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन भाई कैसे सॉल्व होगा. चलो कोई एक एग्जांपल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं. सपोज मैंने लिया एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव. जहां भी आपको सेम ए प्लस ए वी और ए वी सेम दिखे बट प्लस माइनस का डिफरेंस दिखे, तुरंत आपको लगा देना है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ए प्लस वी ए माइनस वी. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव. अब भी एकदम छोटे लेवल से हम लोग मतलब ऊपर चलते हैं, फिर उसके हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे. तो देखो ये थ्री हो गया, नेक्स्ट ले लेते हैं. अब कौन सा है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इसके बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. जैसे एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे या फिर ऐसे लिख लो, ये इजी हो जाता है. प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स और प्लस माइनस माइनस फिफ्टीन. तो देखो ये तो सेम आएगा बट इन दोनों में वेरिएबल सेम है, तो मतलब एड माइनस करना पड़ेगा. तो प्लस माइनस माइनस, तो फाइव में से थ्री गया टू आ जाएगा. अब बड़ी वैल्यू किसकी है, प्लस की. ये इसका आंसर हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ले लेते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब.
सपोज मैंने लिया 2x प्लस 3 का होल क्यूब, तो देखो कंपेयर कर लेंगे अब, a प्लस वी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस वी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखो बेटा a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, तो मतलब 2x का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू 2x है और v की वैल्यू 3 है, और बाद में आ जाएगा 2x प्लस 3। देखो 2x का क्यूब क्या होगा, 8x क्यूब प्लस 27 प्लस 3 टू जा 6, 6 थ्री जा 18 एंड 2x प्लस 3। अब देखो 8x क्यूब प्लस 27, इससे इसका करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो 36x, इससे इसका करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो 54, कुछ गड़बड़ अच्छा एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड 54x, सो आंसर विल बी 8x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर प्लस 54x प्लस 27। ठीक है जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी लेंगे जिसमें हमको माइनस का यूज करते हुए सॉल्व करना है। माइनस का एक क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, कुछ डिफरेंट लू। टू एक्स माइनस 5 का होल क्यूब, सेम चीज a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी। अब देखो इसको क्या करेंगे, 2x का क्यूब माइनस 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू 5 ब्रैकेट 2x माइनस 5। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 8x क्यूब माइनस 125 माइनस 3 टू जा 6, 6 5 जा 30 एंड 2x माइनस 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सो 8x क्यूब माइनस 125 माइनस प्लस माइनस 60x स्क्वायर एंड प्लस 30 इंटू 5 इज 150x। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब लास्ट क्या रह गया हमारा, इसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अब फाइनली उसको करते हैं फिर अपना लेवल हाई करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक फॉर्म क्वेश्चन लिया, x माइनस 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला लिखते हैं पहले, a प्लस वी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, पूरा गाना गा करके याद कर लो, है ना। अब देखो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो बहुत ध्यान के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो x का होल स्क्वायर, अब अगर फॉर्मूले में प्लस होता है ना तो आप प्लस ही लगाओ, और जो माइनस 2y है इसको अंदर कर देते हैं, प्लस जो माइनस है उसको अंदर कर देते हैं, प्लस 2 इंटू ए, ए की वैल्यू x है और v की वैल्यू माइनस 2y है, प्लस 2 इंटू बी सी, तो देखो माइनस 2y इंटू माइनस 3z क्योंकि माइनस साथ में आएगा, प्लस 2 इंटू माइनस 3z इंटू एक्स। ऐसे आपको बहुत सोच कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर देखो 2 2 4 तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो गया। अब देखो प्लस माइनस माइनस 4xy, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया 2 2 4 4 3 12 12 yz एंड प्लस माइनस माइनस 2 3 6 तो 6xz, ये इसका आंसर हो गया। तो आपको जब भी अगर नॉर्मल प्लस प्लस होता आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, बट अगर यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो आपको बहुत सोच समझ के ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा।
चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आगे प्रैक्टिस करते हैं और अपने थोड़ा सा लेवल को हाई करते हैं। अब देखो बेटा, 2x प्लस वाई, 2x माइनस वाई, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई। सो इसको हम क्या कर सकते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे a प्लस वी ए माइनस वी लग रहा है, तो मतलब इसका फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस वी ए माइनस वी ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ पर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर, और इसके साथ में हमने कुछ भी नहीं करना, तो उसको हम सेम लिख देते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, a ये फिर से हो गया a प्लस वी ए माइनस वी, तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो 16x4 माइनस y4, ये इसका आंसर आ गया, क्योंकि फिर ये वाली बहुत यूज होती है, ये वाली आइडेंटिटी ना आप कहीं भी यूज करेंगे तो आप पहले इसको ये लगा देंगे। जैसे देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 103 × 97, इसको हमको डायरेक्टली प्रोडक्ट किए बिना आइडेंटिटी का यूज करना है और उसके थ्रू इसको सॉल्व करना है, तो क्या कर सकते हैं भाई। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 + 3 100 - 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 + 3 = 103, 100 - 3 = 97, भाई फिर से वही आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, a प्लस बी ए माइनस बी, जिसको हम क्या लिखेंगे, 100 का होल स्क्वायर - 3 का होल स्क्वायर, तो मतलब 1000 - 9, तो आंसर विल बी 9991। ठीक है, तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और ऐसा कुछ क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे की साइड बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिया 97 का होल स्क्वायर, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 100 - 3 का होल स्क्वायर। अब हम सबको 100 मतलब जीरो के फॉर्म में क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि यहां से मल्टीप्लीकेशन करना बहुत ईजी हो जाता है, अदरवाइज इसका कहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको पता है कि भाई 2 जीरो है, 2 जीरो और लगा देंगे, तो ऐसे ही इसको ईजी करने के लिए हम इस तरीके को यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1000 + 9 - 600, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर लिख देती हूँ, 9409, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मुझे, आपको जैसे पढ़ा सकूं बस वही मेरा मेन मोटो है। तो अब आगे का कुछ एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि बहुत पूछा जाता है, अगर आपने भी किया हो तो, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 / x² = 27, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ, सबसे फर्स्ट फाइंड करना है हमको एक्स प्लस 1 / x एंड नेक्स्ट फाइंड करना है एक्स माइनस 1 / x। तो देखो बेटा हमारे पास ये गिवन है, जब भी हमको जो पूछा जाता है पहले उस पर हाईलाइट करो, तो हमको पूछा जा रहा है एक्स प्लस 1 / x, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 / x² + 2, क्योंकि एक्स इंटू 1 / x जब करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 रह जाएगा। अब आपको इसकी वैल्यू पता है, क्या पता है, 27, लगा दो 27 देन प्लस 2, तो क्या आएगा, एक्स प्लस 1 + x² = आ जाएगा यहाँ पे 29। ठीक है, अब यहां से स्क्वायर उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ, आपको दिखाई देगा = 29, क्योंकि रूट यहाँ से स्क्वायर उठा के यहाँ पे रूट लग जाएगा। हो गया सॉल्व, कितना इजी था। अब इसके बाद हमको करना है एक्स माइनस 1 / x के लिए, तो अब उसकी साइड चलते हैं, एक्स माइनस 1 / x का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा इसको सॉल्व करना है तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि इसको था ना मैंने सिर्फ स्क्वायरिंग कर दिया, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि 2ab हो जाएगा, एक्स इंटू 1 / x से कैंसिल होके इतना ही आ जाएगा। अब आपको फिर से इसकी वैल्यू पता है तो क्या कर देंगे, 27 - 2 = 25, ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स माइनस 1 / x का होल स्क्वायर। यहां से ये उठाएंगे स्क्वायर तो यहाँ पर रूट लगाएंगे, और 25 किसका रूट होता है बच्चों, 5 का, तो इसका
आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता ये वाला क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, नया क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये है -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। देखो बेटा, ये फिर से माइनस का ध्यान रखना है बहुत। मैंने इसलिए फिर से इस क्वेश्चन को अराइज किया क्योंकि आप माइनस में गलती ना करो। तो a² + b² + c², तो मैंने प्लस करके इसको माइनस को अंदर ले लिया। देन +2ab, तो a कितना है -2x है, ये कितना है 5y है। देन +2bc, तो ये 5y - 3z +2ca -3z - 2x। ठीक है, तो माइनस की मिस्टेक मत करना, माइनस माइनस प्लस होके आ जाएगा 4x² + 25y² + 9z² - 2×2=4, 4×5=20xy +(-)2×5=10, 10×3=30 देन -(+)2×3=6, 6×2=12। एक और बात बताऊं, मैथमेटिक्स में अगर आप अच्छी अच्छी राइटिंग में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, आपकी मिस्टेक होने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। बट अगर आप उसको एकदम कंजस्टेड कर दोगे तो आपकी मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ सोच समझ के मैथ्स को किया करो। अब इसके बाद देखते हैं भाई, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे इफ x + 1/x = 7, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। देखो ये क्यूब वाला है, तो क्या हो जाएगा, ये तरीका वही है करने का कि x + 1/x हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो उससे हम यहाँ तक कैसे अप्रोच करें, पहले इसका क्यूब कर देते हैं। फिर क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, x³ + 1/x³ + 3ab, तो मतलब x × 1/x (x + 1/x) + a + b। इससे ये कैंसिल हो गया, x + 1/x³, जो भी हमको वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो उसको तो फॉर्मूले में निकाल करके लेके आनी पड़ेगी। अब हमको यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी फाइंड करनी है। हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, तो 7³ कर देते हैं, ये यहाँ पे सेम आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, +3×7 क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन थी। तो ये क्या हो जाएगा, 7³³ होता है बेटा, = x³ + 1/x³ + 21। अब क्या करोगे, इसको 21 राइट में है जो कि प्लस का, यहाँ पे के वो नेगेटिव का हो जाएगा, तो इसको नेगेटिव का कर लेते हैं एंड x³ + 1/x³ कर देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 322, और ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो बेटा, ये आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16zx। मतलब अब हमको अप्रोच करना है, अभी तक तो हम लोग एक फॉर्मूला दिया हुआ था हमारे पास a + b + c² और वहां से हम इसको ऐसे एक्सपेंड कर रहे थे, है ना, यही तो करते थे। बट अब क्या करना है हमको, अब हमको यहाँ से यहाँ पे अप्रोच करना है, इसी को बोलते हैं फैक्टराइज। बट कैसे करेंगे, सो आप देखो कंपेयर करते हैं, यहाँ पे a² है, यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2x² प्लस यहाँ पे b² है, 9y² है, क्या लिख सकते हैं 3y² प्लस 4z² अब देखो यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं कि फॉर्मूले में तो सब जगह प्लस प्लस होता है, बट यहाँ पे माइनस है, तो क्या करें भाई इसमें,
तो कहीं ना कहीं एक्स वाई जेड में कोई वैल्यू ऐसी है जो कि नेगेटिव है, वो कैसे पहचानते हैं? देखो यहाँ पर एक्स वाई है और दोनों के साथ में प्लस है, तो ये क्लियर है कि एक्स वाई जो है वो नेगेटिव के नहीं है। बट यहाँ पर जब हमने देखा तो वाई तो पहले से हमने डिक्लेयर कर दिया भाई वाई तो पॉजिटिव है हमारा, बट केवल जेड एक ऐसा बच रहा है जो कि दोनों में अराइज हो रहा है और दोनों के साथ में नेगेटिव आ रहा है। तो पहचान जाते हैं इस टाइप से कि जो वाई की जो वैल्यू है, सॉरी जेड की जो वैल्यू है हमारी, वो क्या है? माइनस है, तो ये माइनस हो गया। तो ये अपने अंडरस्टूड के लिए मैंने तुमको ऐसे समझाया, ठीक है? तो अभी क्या है, प्लस टू इंटू ए क्या है हमारे पास, टू एक्स है, बी हमारे पास थ्री वाई है, प्लस टू इंटू थ्री वाई इंटू माइनस फोर जेड, प्लस टू इंटू सी की वैल्यू माइनस फोर जेड एंड ए की वैल्यू टू एक्स। देखो जब आप इसको भी एक्सपेंड करोगे ना तो आपको यही मिलेंगे, जैसे कि टू टू जब फोर, फोर थ्री या ट्वेल्व एक्स वाई मिल गया, टू थ्री या सिक्स, सिक्स फोर ट्वेंटी फोर, माइनस का मिल जाएगा, टू फोर जट एट एंड एट टू जट सिक्सटीन मिल गया माइनस का। तो ये इसका तरीका है, जहां हमने पूरा ये चीज निकाल लिया, ये चीज क्लियर हो गई कि इसका होल स्क्वायर है ये 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर है ये, ठीक है? तो ये बहुत इजी ट्रिक है इसको सॉल्व करने की। एक और क्वेश्चन है जो कि आपके इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15। ये सारे आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं जो मैं इसमें इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको आज प्रैक्टिस ही करानी थी, तो ये सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया। रूट टू एक्स वाई माइनस प्लस फोर रूट टू वाई जेड माइनस एट जेड एक्स। देखो बेटा अब इसमें एक और ट्विस्ट है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टू है एक्स, तो मतलब किसका होल स्क्वायर बनेगा, ये रूट टू एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि जब आप इसको खोलेंगे तो रूट से स्क्वायर करके टू एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा वाई का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसका होल स्क्वायर बन रहा है ये, तो ये होल स्क्वायर बनेगा टू रूट टू जेड का होल स्क्वायर। आप खोल कर देखेंगे रफ में अगर, तो टू रूट टू एंड टू रूट टू का जब मल्टीप्लाई करेंगे फोर हो जाएगा, और यहां से रूट टू टू हो जाएगा, तो इसको एट लिखेंगे। तो एट हमेशा जो होल स्क्वायर बनता है तो टू रूट टू का ही होल स्क्वायर बनता है। चलो जी अब देखो फिर से यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, ये माइनस है। अब हमको फिर से माइंड में स्ट्राइक कराना होगा कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि नेगेटिव की है। कंपेयर करते हैं, यहाँ पर एक्स वाई है तो मतलब एक्स अराइज हुआ और वाई अराइज हुआ, बट वाई जेड में हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, तो मतलब वाई जेड तो सेफ हो गए। अब यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स है, तो मतलब क्लियर है कि जो माइनस वैल्यू है वो एक्स की है। हम लगा देते हैं टू इंटू ए, ए की वैल्यू हमने यहां से निकाल दी, माइनस रूट टू एक्स एंड वाई, तो ये हो गया। प्लस इसको क्या लिखेंगे बेटा, टू इंटू वाई जेड, तो वाई इंटू जेड क्या हो जाएगा, टू रूट टू जेड, एंड प्लस टू इंटू माइनस रूट टू एक्स इंटू टू रूट टू जेड। आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये पूरी लाइन मिल जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस रूट टू एक्स का, सॉरी माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड का होल स्क्वायर, ठीक है? तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब टू क्वेश्चंस और करते हैं, सिर्फ क्यूब वाले, और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई अपना, मान लो एट ए क्यूब, अब ये क्यूब वाले हैं बेटा और ये भी फैक्टराइज है, तो अब हमारे पास फॉर्मूले का यहाँ पे एक्सपेंशन दिया हुआ है, हमको यहाँ पे फॉर्मूला फाइंड करना है। तो ये आप किससे कंपेयर कर पाएंगे इसको, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी एंड a माइनस बी। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी एंड प्लस थ्री ए बी स्क्वायर,
ठीक है, तो अब देखो क्या ये ऐसा कुछ बन रहा है? हाँ बन रहा है, ए क्यूब माइनस वी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर वी प्लस सिक्स, मतलब जो भी है थ्री ए वी स्क्वायर। अब कंपेयर करते हैं कि क्या फॉर्मूला हो सकता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है एट ए क्यूब, तो ये किसका होगा? टू ए का होल क्यूब, क्योंकि एट ए क्यूब होता है, माइनस बी का क्यूब माइनस थ्री इंटू, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ये ए स्क्वायर, मतलब टू ए का स्क्वायर करेंगे तो फोर ए स्क्वायर मिलेगा, बी सेम आ जाएगा, प्लस थ्री इंटू ए वन टाइम आएगा, बी का स्क्वायर कर देंगे। अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे आपको यही मिलेगा, देखो थ्री फोर जा ट्वेल्व, ट्वेल्व ए स्क्वायर भी हो जाएगा, सिक्स ए बी स्क्वायर हो गया, ये तो हो गया, तो क्या बन गया ये टू ए माइनस बी का होल क्यूब। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, भाई नहीं आ रहा तो आप मुझे बताइएगा, मैं और भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकती हूँ। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। देखो बेटा 27 का क्यूब किसका होता है? ये 3 का क्यूब होता है, 3 3 इज 9, 9 3 इज 27, 125 किसका क्यूब होता है? 5 का होता है, तो मतलब 5a का होल क्यूब आ जाएगा, और माइनस, अब हमने एक्सपेंड किया था ना भी इस तरीके से, तो माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और b का मतलब क्या हो जाएगा? 5a हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 135 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 9 से 27, 27 5 से 135 होता है, प्लस 3 इंटू ए, ए के मतलब क्या है यहाँ पे? 3 है, आपको कंपेयर करना है कि a का मतलब क्या है, b का मतलब क्या है, और b का मतलब यहाँ पर क्या है? 5a का होल स्क्वायर, मतलब 25a का स्क्वायर, 3 3 से 9, 9 25 से 225 होता है। हो गया सॉल्व, क्या बचा? फॉर्मूला निकाल देते हैं भाई, तो किसका होल क्यूब बन रहा है ये? 3 माइनस 5a का होल क्यूब, ठीक है। तो ऐसे करके आज हमने 17 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, और जिसमें आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, और 5 पार्ट्स में, मैंने अलग पार्ट्स जो बनाए हैं, तो 5 पार्ट्स में हमारा पॉलीनोमियल कंप्लीट हुआ। अगर आप ये पूरे क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं ना सही से कर लेंगे, एग्जाम में मार्क्स आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है ना, और फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं, नंबर तो है ही मेरा, है ना। तो अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए, थैंक यू।